हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, इसका दूसरा भाग, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्वरूप में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं, और इस खंड से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, चाहे JPSC हो, JSSC हो, IAS हो, या फिर भारतवर्ष में आयोजित होने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। तो इस वजह से ये खंड पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इतिहास के तीनों खंडों में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक खंड से पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ स्वरूप में कुछ प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, किसके सुझाव पर कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के सुझाव पर ही कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, प्रारंभ की थी। दुबला हाली प्रथा, ये एक प्रथा थी, ये कहाँ प्रचलित थी? ये सूरत में प्रचलित थी। किस अधिनियम के तहत शिक्षा के प्रचार के लिए 1,00,000 रुपये वार्षिक राशि का प्रावधान है? अंग्रेजी सरकार ने विभिन्न अधिनियमों को लाया था, अपनी सुविधा के लिए ही लाया था, और यहाँ पर जो भी लोग रहते थे उन पर अपना पहुँच बनाने के लिए, अपना प्रभाव डालने के लिए कुछ उनके फेवर में भी काम करते थे। तो शिक्षा के प्रचार के लिए भी उन लोगों ने एक अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, इस अधिनियम के तहत शिक्षा में 1,00,000 रुपये वार्षिक राशि खर्च करने का प्रावधान रखा था, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण मंडल व निदेशक कोर्ट की समाप्ति की गई? नियंत्रण मंडल और निदेशक कोर्ट ये पहले चले आ रहे थे, और इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था उसके तहत इसे समाप्त कर दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी से संबंधित धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों की गिनती में ये आता है। तो इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया ये एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था, और इसी में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में उन्होंने चर्चा की थी या फिर बताया था। तो दादा भाई नौरोजी का ये सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध सिद्धांत है आधुनिक भारत के इतिहास खंड से। अगला प्रश्न है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये 1881 में तैयार किया गया, रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन ने प्रथम फैक्ट्री एक्ट को तैयार किया था, और 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये किसने कहा था? ये एक उक्ति है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये उक्ति थी। कॉर्नवालिस संहिता लागू हुई कब? तो 1793 में। अधिकतर डेट वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ईस्वी सन को लिख करके याद करेंगे। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू हुई। कॉर्नवालिस संहिता के सिद्धांत पर आधारित थी, तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर यह आधारित थी। भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा कराई गई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम जनगणना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की लहर सर्वप्रथम कहाँ उठी? तो बंगाल में। इसके बाद, सर विलियम जोन्स किस सोसाइटी के संस्थापक थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं,
क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये सभी प्रश्न। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब में अहमदिया आंदोलन आरंभ किया। बहावी आंदोलन के संस्थापक थे राय बरेली के सैयद अहमद। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में वीडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। रानाडे का पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, और इन्होंने महाराष्ट्र में वीडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज बनारस के संस्थापक थे जोनाथन डंकन। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस अवसर पर अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो धर्म संसद में, धर्म संसद हुई थी जिसे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन भी कहते हैं, ये 1893 ईस्वी में हुई थी शिकागो में, और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर अपना भाषण दिया था हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1861 में। तत्व बोधिनी सभा कलकत्ता में आयोजित हुई थी, किसके द्वारा संचालित की गई? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की थी, और 1873 ईस्वी में की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है। ज्योतिबा फुले थे ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और ईस्वी अगर पूछी जाए तो 1873 ईस्वी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए लिए थे, आधुनिक भारत के इतिहास के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगली क्लास में इसी प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। मैं वेरिएशन लाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर एक खंड से पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसलिए मैं हर विषय पर ध्यान देते हुए हर विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए कलेक्ट करती हूँ, ताकि मेरे द्वारा आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाए, प्रश्न उत्तरों का संग्रह मिल जाए, ताकि आप लोगों की काफ़ी सहायता हो सके। तो इसी प्रकार से जितने भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं कौन कौन से विषय आप लोगों को कराऊंगी, तो उसे ही ध्यान में रखते हुए मैं बीच बीच में एक क्लास दो क्लास अलग अलग विषयों को आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ और लाती हूँ। और बीच में कुछ गैप होने की वजह ये थी कि मेरी सिस्टर की शादी थी जिसे मुझे ही अरेंज करना था, सो काफ़ी टाइम तक मैं नहीं आप लोगों को क्लास दे पाई, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।